अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं पत्ता गोभी से बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बरसात के मौसम में। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं, देर किस बात की। तो गोभी को अच्छे से धो के हम साफ़ करी हूँ। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी काट कर देंगे। तो इसको देखो बीचों बीच से इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखो बीचों बीच से कट गई है, तो इस रखते हैं एक को साइड में। उसके बाद हम लेंगे ग्रेटर, यानी ग्रेट जिससे करते हैं उससे ग्रेट कर लेंगे इसको हम। तो इसको इसे थोड़ा सा ग्रेट करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। अगर आपको ग्रेटर से ना पसंद हो या आपने आपके पास ना हो तो आप इसको चाकू से भी कट कर सकते हो। देखो हम चाकू से भी कट कर दिखा दे रहे हैं। तो चाकू से भी काटने में बहुत आसान है, बस बारीक बारीक इसको काट लेना, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बारीक बारीक काटना है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कट करके। तब चलो इसको हम काट ली हूँ, सारी गोभी को नहीं काटी हूँ, बस आधी काटी हूँ। उसके बाद इसको हम रख दे रहे हैं एक बाउल में। देखो सारी गोभी हमारी बाउल में आ गई। तो चलो अब इसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगे बेसन। 1 कप भर के बेसन ली हूँ, कप या कटोरी आप किसी चीज़ से ले सकते हैं। ज़्यादा बेसन नहीं डालना, बस थोड़ा ही बेसन डालना है, नहीं तो खाली बेसन का स्वाद आएगा और गोभी का स्वाद आएगा ही नहीं। तो देखो इसमें हम डाल दिए। अब इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं अमचूर पाउडर। देखो अमचूर पाउडर चला गया। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हम बेसन इस्तेमाल करें तो इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। उसके बाद डाल दें चाट मसाला। चाट मसाला मतलब पानी गिर गया तब ये गीला गीला सा दिख रहा था कि चटपटा सा स्वाद आए। उसके बाद इसमें डाल दे रहे हैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसको आप ज़रूर डालना। तो इसको हम थोड़े से हाथ पे क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से खुल कर आए, यानी लगे इसमें कि हाँ डली हुई है। तो इसको डाल दिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्च कटी हुई। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्ची तीखी नहीं इसलिए हम 3 काट के डाल दें। उसके बाद में डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा धनिया लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा। बस इतनी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता काट कर, ताकि इसकी भी खुशबू अच्छी से आए। तो हरा धनिया का पत्ता हम कट इसी में कट कर दे रहे हैं। तो देखो इसको इसी में फटाफट से कटिंग कर देते हैं हम। हरा धनिया का पत्ता भी हमारा कट के चला गया इसमें। तब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, हाथ से ही मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेंगे नहीं, कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको हाथ से मिला रहे हैं। देखो इसको अच्छे से हाथ से मिला लेना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बेटर तैयार करना, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। चलो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ तब इसमें पानी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, नहीं तो कहीं गीला हो जाए। तो एक बार देखो पानी डाल के इसको मिला रहे हैं। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के मिला रहे हैं, एक साथ पूरा पानी हम नहीं डाल रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेना है। तो गाइस आज की वीडियो हमारे कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो नई वीडियो डाले वो आप तक पहुँच जाए, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर देना। और कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है। तो देखो बातों बातों में डो हमारा तैयार होने वाला है फटाफट से। तो इसमें हम अच्छे से मिला दे रहे हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, भाई नहीं कहीं नमक लगेगा तो कहीं मिर्ची लगेगी। तो देखो डो बन के रेडी हो गया। अब इसको हम ढक कर रखेंगे। तो इसमें हम पानी नहीं डालना, बस थोड़ा डाल के हाथ पे थोड़ा हाथ से थोड़ा हल्का सा मसल देते हैं, ताकि क्योंकि बेसन है थोड़ा भी सूखेगा पानी में। तो इसको अब हम ढकेंगे। तो चलो इसको हम साइड में ढक के रख देते हैं फटाफट से। डो हमारा बन के रेडी हो गया, बहुत जल्दी रेडी हो गया। बरसात में आप इसकी पकौड़ियाँ बना खाओगे ना, बहुत मस्त लगेगा। तब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। उसर हम गर्म लिए हैं चटनी का जार। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं हरी मिर्च। चटनी भी चटपटी अच्छी मस्त बनाएंगे, देखना कैसे बनाते हैं। उसके बाद खूब सारा धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन 4-5 कली, 8-10 निकल जा रहा मुझे। तो उसके बाद डाल दे रहे हैं इसमें जीरा 1/2 चम्मच। उसके बाद स्वाद की कौड़ी नमक डाल दे रहे हैं। ऐसी चटनी जब बनाओगे तो बहुत मस्त लगेगी। ये चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाली हूँ, अदरक हम आपको बता नहीं पाए शायद, कभी डाली नहीं, देखती हूँ डालती हूँ।
उसके बाद इसको हम बंद करके पीसेंगे। इसका बढ़िया से चटनी तैयार करेंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चटनी लगती है। ऐसी चटनी एक बार बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखो चटनी बन के रेडी हो गई। तब इसको हम निकाल लेते हैं एक छोटे से बाउल में। देखो चटनी देखने भी मस्त लग रही है ना। दही डाल दो। और बेटा हमारा कहता मम्मी कच्चा आम रखा, अमिया यानी आम, तो उसकी चटनी बनाओ, लेकिन पहले चलो दही रख के दही डाल देते हैं। उसको खट्टा बहुत पसंद है। चटनी भी चटपटी बहुत अच्छी बनती है ऐसे बनाओगे तो। इधर हम गैस पर रख दिए फ्राई पैन। अभी चल रहे हैं पकौड़ियों को फ्राई करने। चटनी से हमारी बन के उधर रेडी हो ही गई। तो चलो फटाफट से आप देखो डो फटाफट से आप पकौड़ियों को तल लेते हैं। डो भी हमारा रेडी है एकदम। देखो अच्छे से रेस्ट कर लिया ये भी थोड़ी देर। तो तेल हमारा चेक कर लेते हैं गर्म हो गया। देखो गर्म हो गया है, ये रिफाइंड तेल है। तो इसमें हम अब पकौड़ियों को डालेंगे। फटाफट से इसमें डाल देना है। तो तेल के अंदर जितना आए ना उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इसको इसे छोटे छोटे अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। तो देखो हम छोटे छोटे से बना रहे हैं, मीडियम, मतलब ज़्यादा छोटी नहीं ज़्यादा बड़ी, मीडियम साइज़ की बना रहे हैं। तो कढ़ाई में हमारे जितने आएगी उतना ही डालेंगे हम। तो गाइस एक बार आप इसको बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको, बच्चे के भी और आपके घर वालों के, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट इसकी पकौड़ी लगती है और बहुत मस्त बनती है। अब घर के सामानों से बन जाती है, कुछ ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लगता है। तो जब एक साइड से ये हो जाएंगे ना, तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो इसको हम ऐसे अलट पलट देते हैं फटाफट से। देखो ऐसे पलटी कर देते हैं इसको फटाफट से, ताकि दोनों तरफ से ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने अच्छे से। इसमें गैस धीमी जलाना है, ज़्यादा तेज़ गैस जलाओगे तो फटाफट से जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से पकेंगे, क्योंकि गोभियों को भी पकने में थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए तो धीमी गैस से पकाना है। तो देखो मसाला पकौड़ी हमारा बन के रेडी होने वाली है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। वाह लग रही है बेहतरीन, बहुत मस्त बनी है पकौड़ियाँ। खरखर एकदम खरखर की आवाज़ इसमें आ रही है, बिल्कुल करा रही। देखो वाह बहुत बेहतरीन बनती है। ऐसे चाय बनाओगे ना तो बहुत ही, सुबह के चाय के साथ या शाम के चाय के साथ बनाओगे तो बहुत मस्त लगेगी। सुबह में नाश्ता करते टाइम जब खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग तो इसको नाश्ते टाइम बनाए थे और बहुत बेहतरीन लगती है खाने में। तो चलो इसको फटाफट से हम जो बचा हुआ है दूसरा बैच भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से पता नहीं क्यों कहाँ से आदत पड़ जा रही है, बार बार ये बोल जा रहा है फटाफट से फटाफट से। आप लोग सोचेंगे कि क्या बोले जा रही है फटाफट। तो देखो दूसरा बैच भी हमारा रेडी होने वाला है। ये खाने में तो इतनी लाजवाब लगते हैं क्या बताएं। हमारे बच्चे तो बहुत इसको पसंद करते हैं। इसको बनाना तो बहुत सब खाएं कहें मम्मी बहुत अच्छी लग रही है पकौड़ी, एक बार और बनाना। तो हम कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो बारिश चली है, बारिश में बना देंगे इसको हम। बारिश में ज़्यादा पकौड़ी उकौड़ी, बारिश हो घर में बैठे हो तो पकौड़ियाँ खाने का ही मन करता है। माशाल्लाह सारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई, देख लो दिख रही है बहुत बेहतरीन। वाह इसको अब हम चटनी के साथ सर्व कर दिए हैं। तब ये खाने के लिए रेडी है। तो आप कहो अपने घर पे बना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो यार डिसलाइक कर देना, और क्या बताएं। तो देखो सब खाने के लिए अब इसको जा रहे हैं खाने, बैठेंगे खाने के लिए। अब हम इसको हम खा कर थोड़ा चेक कर ले रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको कैसे लग रही है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनी हुई है पकौड़ी और बहुत बेहतरीन लग रही थी। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।